हेलो एवरीवन वन मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फ्रेंचाइजी तो नेक्स्ट आप देखते कि फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग डेफिनेशन फीचर्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्ले देख सकते हैं जिसके अंदर आप रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं तो फर्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन फ्रेंचाइजी ये डिफाइन करता है किसी के भी बिजनेस रिलेशनशिप को दो पार्टीज के बीच में फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में फ्रेंचाइजी जिसमें कि बिज़नेस के आप प्रोटोकॉल को देखते हैं जो कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड करता है फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने अपना खुद का नाम बना लिया अपना खुद का ब्रांड बना लिया फिर उसी ने उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टोर खोले लोगों को उनका तरीका पूरा बताया कि कैसे आपको बिजनेस चलाना है वो खुद रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करते हैं और दूसरे लोग उनको कुछ मनी देके मतलब 10 लाख 20 लाख लेके उनका नाम अपने स्टोर पे ले लेते हैं और उन्हीं की प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ये होता है फ्रेंचाइजी मतलब सेम ही तरह के बिजनेस आप डिफरेंट उसके आउटलेट डिफरेंट सिटी से में सेम तरीके से चलते हुए देखते हो होता है फ्रेंचाइजी फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड डोमिनोज एबले एम बी वाला ये सारे इसी के एग्जाम्पल है इसके अंदर जो भी फ्रेंचाइजर होता है वो फ्रेंचाइजी को लाइसेंस प्रोवाइड करता है उसके बिजनेस नेम नॉलेज प्रोसेस और ट्रेडमार्क को कि वो उसको सेल कर सकते हैं उनकी सर्विसेज को दे सकते हैं और उसके बेसिस पे वो कुछ एनुअल फीस चार्ज करते हैं नेक्स्ट आता है व्हाट इज फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी मोस्ट पॉपुलर मेथड है कि कैसे आप आपके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं ये एक इनोवेटिव आइडिया है नए बिजनेस को देखते हैं आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब भी आप कुछ नए बिजनेस को स्टार्ट करें तो फ्रेंचाइजी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप कैसे आपके बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं फ्रेंचाइजी में यूज करते हैं राइट right नेम को वेल स्टेब्लिश ब्रांड को प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए इसमें आप इन्वेस्ट करते अपने मनी को किसी भी नई ब्रांच को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को और इसमें कम चांसेस होते हैं कि आपका जो नया बिजनेस है वो फेल होगा मतलब आपने किसी से फ्रेंचाइजी लिए तो इसमें आपका लॉस होने का चांसेस कम होता है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांड होता है पहले से तो बिजनेस फ्रेंचाइजी में आपको इनिशियली एक फी पे करनी पड़ती है या फिर कुछ लॉयल्टी फी आप पे करते हैं ताकि आप उनके ब्रांड नेम को यूज कर सके जो प्रोसेस है फॉलो कर सके उनकी सर्विसेज का यूज कर सके नेक्स्ट आते हैं हाउ डज अ बिजनेस बिकम अ फ्रेंचाइजी तो कोई भी बिजनेस जो कि फ्रेंचाइजी यू, यूजली स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट होती है आइडिया कि कैसे आप फ्रेंचाइजी को क्रिएट करते हैं माइंड में आप रखते हैं कि क्या ऑनर का बिजनेस है कैसे आप सक्सेसफुली नेबरहुड को देख सकते हैं जो भी डिफरेंट प्लेसेस से स्टार्ट हो उनके इंटरेस्ट को देखते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखते हैं किसी भी लोकल बिजनेस को आप फ्रेंचाइजी में नहीं लेके जा सकते हैं आपको रिक्वायर होता है कि आप लीगल स्टडी करें कंसल्ट करें डिफरेंट लोगों से और जब आपको लगता है कि आपका बिजनेस अच्छा हो गया है इतना पॉपुलर है कि लोग उसके जैसा ही नया स्टोर खोलने में इंटरेस्टेड है तब आप फ्रेंचाइजी बांट सकते हैं नेक्स्ट आता है कि क्या फीचर्स होते हैं फ्रेंचाइजिंग के तो इसमें फर्स्ट है फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजर कोई भी इंडिविजुअल जो कि बिजनेस का ऑनर होता है जो अपने नॉलेज प्रोसेस ब्रांड ने बिजनेस को शेयर कर रहा होता है या फिर फ्रेंचाइजी को दे रहा होता है कुछ कंडीशंस को वो फुलफिल करते हैं तो मतलब कुछ पैसे देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी कोई भी User, जिसके पास राइट होता है कि वो जिससे भी उसने फ्रेंचाइजी ली है उनके ब्रांड नेम को उसके नॉलेज को प्रोसेस को जो भी उसने इनिशियली फीस पे की है रॉयल्टी पे की है अपने बिजनेस के लिए वो होता है फ्रेंचाइजी नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट एग्रीमेंट होता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच में फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट जिसमें कि फ्रेंचाइजर ग्रांड परमिशन देते हैं फ्रेंचाइजी को वो यूज कर सकते हैं उनके ब्रांड नेम को पेटेंट को ट्रेडमार्क को सारी चीजों को ये एक एग्रीमेंट में होता है तो ये कुछ फीचर्स होते हैं फ्रेंचाइजी के नेक्स्ट आता है कि क्या एडवांटेजेस होते हैं फ्रेंचाइजी के तो फर्स्ट है एडिशनल इनकम सेकंड है अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द बिजनेस थर्ड है इजी टू स्केल अप एंड डाउन द बिजनेस फोर्थ है इंक्रीज मार्केट शेयर फिफ्थ है रीचेबिलिटी और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस फॉर फ्रेंचाइजी तो इसमें हम फ्रेंचाइजिंग और फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं उसको देखते हैं तो फर्स्ट है फ्रेंचाइजी के लिए एडिशनल इनकम जो भी फ्रेंचाइजी है एक्सिलेंट तरीका कि कैसे आप आपकी इनकम को और बढ़ा सकते हैं इसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है जब भी आप किसी दूसरे के नाम को बिजनेस को पैटर्न को ट्रेडमार्क को उनको लॉयल्टी देके यूज़ करते हैं तो एक एडिशनल इनकम है फ्रेंचाइजर के लिए कि आप स्टार्टअप फीस दे मंथली पेमेंट दे सकते हैं या जैसे भी उनकी टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग और आप अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड सक्सेसफुली लोकल मार्केट में जाते तब आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप आपके बिजनेस को ग्लोबली एक्सपैंड कर सकते हैं कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आपकी ग्लोबल प्रेजेंस को मतलब आप आपके बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं डिफरेंट सिटी में डिफरेंट कंट्रीज में आपकी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं तो ये एक बेनिफिट होता है कि आप आपके बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं नेक्स्ट आता है इजी टू स्केल अप एंड डाउन द बिजनेस इसमें आप आपके बिजनेस को कितना बढ़ाना है कितना कम करना है ये बहुत इजी हो जाता है फ्रेंचाइजी के थ्रू कि आप कितने लोगों को बांट सकते हैं कितने लोगों को कम करना है ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस ज्यादा लॉस में चल रहा है तो आप फ्रेंचाइजी को बांटना कम कर सकते हैं और अच्छा चल रहा है तो आप और बढ़ा सकते हैं मतलब बहुत ईजी आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं नेक्स्ट आता है इंक्रीज मार्केट शेयर एक इसका अनादर बेनिफिट है कि आप आपके मार्केट शेयर को इजिली बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम कर सकते हैं क्योंकि आपके डिफरेंट आउटलेट है वो डिफरेंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसकी वजह से जो भी फ्रेंचाइजर है उसके ऊपर कोई भी नहीं होता और वो अपने ज्यादा ज्यादा से मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं नेक्स्ट आता है रीचेबिलिटी जो भी फ्रेंचाइजी अच्छा तरीका की कैसे आप आपके बिजनेस की रीच को बढ़ा सकते हैं जो भी डिफरेंट पार्ट में लोग रह रहे हैं उनके लिए की प्रोडक्ट और सर्विसेस को आप कैसे और फैला सकते हैं और आप दूसरे एरिया की सर्विसेज भी लोकल एरिया में प्रोवाइड कर सकते हैं तो इससे आप आपके ओल्ड कस्टमर को भी अट्रैक्ट करेंगे तो नए कस्टमर को भी कर सकते हैं नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग बिजनेस फॉर फ्रेंचाइजिज फ्रेंचाइजिंग बिजनेस का जो भी फ्रेंचाइजिंग ले रहा है उन लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट या क्या क्या एडवांटेजेस है है तो फर्स्ट प्री ब्रांड अगर आपने फ्रेंचाइजी का यूज किया तो आप ऑलरेडी किसी ब्रांड को अपने स्टोर पे ओपन कर रहे हैं तो आपको उसको और प्रमोट करने की जरूरत नहीं रहेगी ज्यादा अगर आप कुछ नया स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत होती है तो यहाँ पे आपका फियर कम हो जाता है कि जब भी आपने स्टेब्लिश ब्रांड को परचेस किया तो आपको प्री स्टेब्लिश ब्रांड मिला है आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने है एडवर्टीजमेंट में ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है उस, उसकी पॉपुलरिटी को तो आपका जो बिजनेस है वो इजीली सक्सेस हो सकता है और इसमें रिस्क के चांसेस कम होते हैं सेकंड आता है नो एक्सपेंडिचर ऑन दी ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ जो भी नया बिजनेस आप स्टार्ट कर करें ये बहुत असेंशियल होता है कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टाफ मेंबर को कि वो कैसे सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं तो जो भी फ्रेंचाइजी है वो देखता है कि उनको कोई ट्रेनिंग स्टाफ को देने की जरूरत नहीं है वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं नेक्स्ट आता है राइट टू सेल इन दी एरिया जब आपने फ्रेंचाइजी ले ली तो फ्रेंचाइजर के पास राइट होता है कि उस एरिया में पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की डिमांड को वही फुलफिल कर सकता है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वही उस पर्टिकुलर एरिया में उस टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकता है नेक्स्ट आता अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट ट्रेड सीक्रेट ऑफ दी ब्रांड जब भी आप फ्रेंचाइजी बिजनेस ले रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप बिजनेस की टेक्निक्स को देखें ट्रेड के क्या सीक्रेट्स हैं उसको देखें आप यूज कर सकते हैं आपके नॉलेज को फ्यूचर के लिए अपने खुद के बिजनेस के लिए नेक्स्ट आता है कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं फ्रेंचाइजिंग के फर्स्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फी जो भी आपका फ्रेंचाइजी बिजनेस है एक लीगल प्रोसेस है तो आपको इसमें मनी स्पेंड करना होगा कि वो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो टर्म कंडीशन या एग्रीमेंट पे आपको देते हैं तो आपको उनको पैसे देने होते हैं नेक्स्ट आता है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी फ्रेंचाइजिंग बिजनेस होता है इसमें आपको इनिशियली हाई इन्वेस्टमेंट लगता है मतलब आपको जब फ्रेंचाइजी परचेज़ करनी है तो उसके लिए पैसा लगेगा जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज रजिस्टर करवा रहे हैं बिजनेस की क्या प्रोसेस है आप आपके स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ है फाइनल मार्केटिंग कैसे होगी बिजनेस की तो ये आपको इसमें इनिशियली कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है सेकेंड आता है फेलियर ऑफ फ्रेंचाइजी बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी आपने प्लान किया है आपका बिजनेस फेल भी हो सकता है एंड भी हो सकता है और आप लॉस में भी जा सकते हैं नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ कंट्रोल जब भी आप किसी और के बिजनेस का आइडिया लेके चला रहे हैं तो आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है जो भी उसकी चीज़ें आपको उसको ही फॉलो करना होता है नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं तो फर्स्ट है लॉयल्टी फी ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट डिसएडवांटेजेस होता है कि आपको रेगुलरली उनको लॉयल्टी फ़ी देनी होती है फिक्स टाइमिंग में फिक्स्ड अमाउंट सेकेंड आता है कंट्रोल ऑफ फ्रेंचाइजर्स इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है कि आप आपके अकॉर्डिंग बिजनेस में चेंजेस कर सके इसमें पूरा कंट्रोल फ्रेंचाइजर का होता है तो फ्रेंचाइजिंग के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसका मीनिंग डेफिनेशन फीचर्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू